ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पाव भाजी पसंद ना हो और ये झटपट बन भी जाती है। तो चलिए आज बनाएंगे मुंबई की मशहूर पाव भाजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर लिया है और 4 टेबलस्पून तेल। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ज़ीरा लाल हो जाएगा उसमें हम करीब 4 से 5 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और जैसे ही हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा उसमें हम 2 कप हरा मटर डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप इसे बाद में यूज़ करें। अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे, चला के देखेंगे। जैसे ही हमारा प्याज जो है हल्का सा देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप बीटरूट और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इनको थोड़ा सा पकाएंगे। मटर तो हमारा जल्दी पकता नहीं है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे ताकि अंदर से ये चले नहीं। ये देखिए हमारा यहाँ पर मटर भी हल्का पक चुका है, प्याज और बीटरूट भी पक चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिनको ग्राइंड करके उनका प्यूरी बना लिया था। यहाँ पे मैंने 2.5 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक और लहसुन को भी डालकर 2-3 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हमने जो प्यूरी बनाई थी उसको उसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ तीखा लाल मिर्च यूज़ किया है। अभी हम डालेंगे 1.5 चम्मच बटर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाव भाजी में जब तक बटर ना हो तो पाव भाजी का टेस्ट नहीं आता, इसके लिए हम यहाँ पे बटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अब डालेंगे 4 टीस्पून पाव भाजी मसाला। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू बॉईल करके छील करके मैश करके रखा हुआ था। अब ये आलू हम इसमें डाल के मिला लेंगे। यहाँ पे हमने अपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा मसाला अब धीरे धीरे तेल भी छोड़ रहा है। ये देखिए हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इन आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मैशर का यूज़ करते हुए आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा पाव भाजी बिल्कुल मिक्स हो चुका है। हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप वाटर। हमको इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना गाढ़ा पसंद है उतना आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पाव भाजी को ज़्यादा गाढ़ा ही रखना पसंद करती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप पानी यूज़ किया है। पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने हल्का सा पानी और यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर जो टमाटो प्यूरी मैंने बनाया था उसके बाद मैंने उसमें पानी डालकर उसका जो पानी था उसमें इसमें यूज़ कर लिया है। आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यकीन मानिए पाव भाजी जो है ना आपको बाहर की पाव भाजी से ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और इसको बीच बीच में से चलाते रहेंगे क्योंकि ये गाढ़ा है ना, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। लगभग हमारी पाव भाजी बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अगर आप टमाटर प्याज पहले ही से काट के रखोगे तो बनाने में बहुत ही जल्दी हो जाता है।
ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं स्वादानुसार नमक डाल दूंगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसको धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी पाव भाजी बिल्कुल स्वादिष्ट बनी है, देखकर ही लग रहा है। लगभग रेडी हो चुका है हमारा पाव भाजी। इसमें थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे। ये देखिए हमारी पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम चलिए पाव सेक लेते हैं। पाव सेकने के लिए एक पैन में मैंने 2 टीस्पून बटर डाला है, थोड़ा सा हल्दी, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और हरा धनिया। इन सबको मिक्स कर लें। और पाव को बीच में से चीरा लगा के उसको उल्टा रख के सेक लें, कुछ इस तरीके से। ये देखिए लग रहा है ना, हमारा पाव भी बेहद स्वादिष्ट। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे ही हम अपने सारे पाव को सेक लेंगे, दोनों साइड से ऐसे ही सेक लेंगे। हमारे पाव दोनों साइड से सिक चुके हैं। हमारा पाव भाजी खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट में पाव भाजी डाल ली है। अब उस पर गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया और पाव और बारीक कटा हुआ प्याज उसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और साइड में कटा हुआ नींबू और प्याज रख देंगे। हमारा पाव भाजी का प्लेट रेडी हो चुका है।